चैप्टर 6, द वुल्फ एंड द लिटिल गोट्स। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया एंड गोट्स मीनिंग यू नो बकरी। वार्म अप, ये एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, पहले हम लोग इसको देखेंगे। अ हंग्री वुल्फ इज लुकिंग फॉर फूड, मतलब हंग्री मतलब होता है भूखा। एक भेड़िया जो कि भूखा था वो खाने की तलाश कर रहा था। ही sees a ship on a hill, उसने hill मतलब पहाड़ और ship मतलब भेड़, उसने पहाड़ पर एक भेड़ देखा। sees मतलब देखा। The sheep is eating grass, वो sheep जो है वो भेड़ घास खा रही थी। The wolf wants to eat the sheep, अब वो जो वुल्फ था वो उस सीप को खाना चाहता था। ही सीज डियर शिप प्लीज कम डाउन, उसने कहा ही सेज डियर शिप प्लीज कम डाउन, कि प्यारे शिप प्लीज कम डाउन, अब तुम नीचे आ जाओ। द ग्रास इज ग्रीनर एंड स्वीटर हियर, ग्रीनर मतलब हरे भरे, ज़्यादा हरे भरे, और स्वीटर मतलब और ज़्यादा मीठे, कि यहाँ के जो घास हैं वो ज़्यादा हरे हैं और ज़्यादा मीठे हैं। बट द क्लेवर शीप नोज दैट द उल्फ इज विकेड, लेकिन वो शीप जो थी वो चालाक थी, चतुर थी, उसे पता था कि ये जो उल्फ है वो शैतान है। ही सेज यू जस्ट want to eat me, शीप ने कहा कि तुम मुझे खाना चाहते हो। I am happy with the grass up here, मैं ऊपर ही यहाँ अपने घास के साथ खुश हूँ। I will not come down, मैं नीचे नहीं आऊँगी। So the wolf walks away still hungry, तो वो उल्फ वहाँ से चला गया और वो भूखा ही रह गया।